अरे सदके जाऊं, वीडियो फजूल है। तो आपने देखा तो हो ना, कुछ तो मेरी वीडियो में था जो आपने देखा। खूबसूरत मौसम और खूबसूरत व्यू के साथ कामत आकर तो कहते हैं फिर की होया और पका लो। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि थक हार के घर आई है। अब चलते देखते हैं अभी कुछ के नहीं। ये रही मेरी सिस्टर, अल्लाह करे जो हम लेना चाह रहे हैं हमें वो मिल जाए, क्योंकि पसंद की। वाह ये कलर तो मुझे अच्छा लगा। अब देखो हमने एक और आगे शॉप है, वहाँ देखते हैं। वहाँ जबरदस्त चाय, मुनम के काम चेक करो, मुनम ने ना मेरी चाय करा दिया। ये देखो इसे इतनी अफरा तफरी। अस्सलाम वालेकुम डे लाइफ से, कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी हैरो आफियत के साथ हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है, बेल आइकन को प्रेस कर दो, बरवक्त न्यू अपडेट आपको आसानी मिल सके। तो लाइक भी कर दिया करो मेरी वीडियो को। मुझे किसी ने कमेंट किया कि आपकी वीडियो फजूल है। अरे सदके जाऊँ, ये मैं कि बाद में बात करूँगी। वीडियो फजूल है तो आपने देखा तो हो ना, कुछ तो मेरी वीडियो में था जो आपने देखा तो आपको पसंद नहीं आया। अब डिटेल से मैं इसके बाद बात करूँगी। अब मैं यहाँ ही अपनी वीडियो को अब करती हूँ, आगे चलती हूँ, देखते हैं अब और क्या क्या हो रहा है। अब चलते हैं देखते हैं वह लोग के दिन को मैं क्या क्या करूँगी और कहाँ कहाँ जाऊँगी और क्या क्या करूँगी, और उसके बाद बताऊँगी। फिर मान जो कमेंट करने वालों पे सलामत रहो। खूबसूरत मौसम और खूबसूरत व्यू के साथ हम अपने घर से निकल पड़े हैं। हमने करनी है शॉपिंग। अब ये भी नहीं पता कि शॉपिंग कौन सी करनी है। ये रही मेरी सिस्टर, ये पब्लिक आ जा रही है। तो मौसम बहुत अच्छा था तो हम निकल पड़े अपने घर से। अब पता नहीं कि बारिश ही ना हो जाए तो सिस्टर को पता होगा। अभी डिसाइड ही नहीं किया क्या लेना है। बच्चों की भी चीज़ें लेनी है, सिस्टर की भी लेनी है। आपने क्या लेना है जी? आपने क्या? अभी कपड़े लेने हैं, अभी देखना है। ये पता नहीं टायर क्यों बांधा हुआ है। चलो चलते हैं। अभी हमने डिसाइड ही नहीं किया कि हमने बाय क्या करना है, लेकिन चल पड़े हैं। छोटा मोटा सामान काफ़ी लेना है, अगर ले सके। जब भी हम निकलते हैं तो बहुत टाइम ही निकलते हैं। ये माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा हो रहा है, तो दरख्त इतने प्यारे लग रहे हैं। जितना मौसम अच्छा है ना, ठंडी हवाएं चल रही हैं। अल्लाह करे जब तक हम शहर से होके आते हैं सिटी से, तो इसी तरह ठंडी ठंडी हवाएं चलती रही। आ गए ऊपर ब्रिज, तो अब हम यहाँ से क्रॉस करने लगे हैं, तो चलते हैं। ये कितने खूबसूरत फ्लावर है ये दरख्त के साथ। तो ये वाले वाइट और वो वाले पर्पल, पर्पल तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं। यहाँ सारे पर्पल फूल लगे हुए हैं इस तरफ, इस सड़क के किनारे। आपको रास्ते में इंजॉय कराती जा रही हूँ फ्लावर से। फ्लावर देखो तो हर बंदे का दिल खुश होता है, हर बंदा देखता है फ्लावर ग्रीनरी। तो इसको भी आप देखते हो। अल्लाह करे जो हम लेना चाह रहे हैं हमें वो मिल जाए, क्योंकि पसंद की चीज़ भी कभी बिल्कुल नहीं मिलती। तो अब हम आ गए अंडर पास में। अच्छा सीढ़ियों पे नीचे से ना ऊपर जाना बड़ा मसला होता है, ऊपर से नीचे आना इजी होता है। तो अब हम आ गए, अब शहर के अंदर इंटर हो गए। देखते हैं कोई अच्छे अच्छे कलर दिखाएं भाई। हाँ फ्री साइज दिखा दो तो अच्छे। फ्री साइज तो वाओ, ये कलर तो मुझे अच्छा लगा। अब देख फिर हमें प्यास लग गई। हाँ हमने पैर ठंडा पानी पिया, मैंने तो पिया नहीं, मेरा गला खराब है। फिर मेरी सिस्टर पानी पी लिया, कुछ सेहत फ्रेश हो गई है। अब निकलते हैं आप और देखते हैं, और शॉपिंग करते हैं, चलते हैं। और मैं हजार से कह रही थी उसको मैं इसलिए लगाती हूँ, मुझे एलर्जी हो गया जुकाम हो रहा है। जुकाम की वजह से मैंने इसे काम किया। अच्छा वैसे ना आम कलर होते हैं जिनकी रूल पड़ी होती है, तो जब डिमांडिंग कलर हो, डिमांड से बंदा मांगे तो वो कलर भी मिलता है। हम तकरीबन 5-6 शॉप्स में गए हैं, तो अभी भी हमें कामयाबी नहीं। अब हमने एक और आगे शॉप है, वहाँ देखते हैं। वहाँ हर किस्म का कपड़ा मिल जाता है, तो अब देखते हैं वहाँ जाते हैं। तो गर्मी इतनी हो रही है, इंतहा की, मौसम अच्छा होने के बावजूद। तो अब जिस साइड पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बड़ी वाली बाज़ार में। आजीपुर बाज़ार से निकल कर मुरैना वाली गली में आ गए, तो अब उधर जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ। तो जल्द
भी मेरे साथ है, तो ये देखो यहाँ पर बनाया सारा सामान बनाया, पीछे बैग सारी नजर आ रही होगी, ये भी दे रहे। मैंने जूस नहीं पिया था, मेरा गला ख़राब है, मेरी सेहत बहुत ख़राब है, मुझे बुखार भी था, मेरे को गला और ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने ये ले लिया नेस्ले का पानी और मैं ये पीने लगी हूँ। अब हम बाज़ार से बाहर निकल आए हैं, अब अपने घर जाने लगे। मैंने पानी पाया बाज़ार में नहीं पिया। मुझे ना मेरा दिल किया कि मैं छली खा लूँ, इतनी गर्मा गर्म। मैंने देखी तो सिस्टर कहते हैं यहाँ से ले लो, तो एक दे दो, ये लो पकड़ो, एक छली दे दो गर्मा गर्म। गुजर रही थी तो मुझे इतना दिल किया मैं छली ले ले। हाँ गर्म, मैंने गर्म करके देना, हल्का सा नमक भी लगाना। अब आ गए हम अपने घर, तो मैं यहाँ आराम से आके बैठ गई हूँ। मेरी सेहत बहुत ख़राब है, मेरे गले में ज़्यादा दर्द हो रहा है, कान में तो जो दर्द था गले में भी दर्द है। लेकिन जाना भी ज़रूरी था, 14 अगस्त की शॉपिंग करनी थी, चीज़ें लानी थी। तो अब मैं आ गई, तो अब मैं एक कप चाय का पीऊँगी, चाय पी के तो फिर देखते हैं। खाना तो मैं पका के गई थी, और फिर चलते हैं किचन में चाय पी के। तो चाय मैंने कह दिया है नाना को, बनाने लगी है, तो चलो देखते हैं कि किचन में मैं खाना बना के गई थी छोड़ा भी कि नहीं। क्योंकि हमारा घर जो है ना, वो अवमी घर है, जिसका दिल करता है वो आके खा पी के चला जाता है। एक बार इसी तरह पता है, हम शादी थी हमारे घर में मेरे भाई की, तो हम ना खाना वगैरह पूरा बना के गए, तो जब वापस आए तो चावल वाला पतीला भी खा ली, हंडिया भी खा ली। हमने कहा ये क्या किया है। मेरे पापा जाने को अल्लाह जन्नत और फरदोस में आला मकामत आकर, तो कहते हैं फिर की होया और पका लो। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि थक हार के घर आई हैं। अब चलते देखते हैं अभी कुछ के नहीं। यहाँ देख लेते हैं मुन्नम को, तो मुन्नम ने ना बाहर नुकसान डाला हुआ है, सारी चीज़ें उल्ट पुल्ट कर रहा है। माशाल्लाह ये 8 माह पूरे का हो गया, तो अपना वाकर भी घुमा रहा है, तो घूम रहे हैं। तो हम गए हुए थे बाज़ार, तो इसको संभाला हुआ था मेरे आतिफ ने। अब इसके काम ज़रा चेक करना। मुन्नम इधर लाओ मेरा शहजादा बेटा। अब मैं आगे किचन में देखते हैं खाना बचा भी है कि नहीं। गेस्ट आए हुए थे पीछे लड़के, तो अब देखते हैं खाना बचा हुआ है कि नहीं। यही है, है? जी। ये चने भी हैं, चनों के साथ। अच्छा, चने भी। अच्छा देखते हैं। हाँ आते ही नाना ने आके चूल्हा जला लिया है और रोटी बनाना शुरू हो गई है। तो अब दाल चावल पता नहीं है कि नहीं, देखिए दाल चावल बने थे कि चना। चने चावल बने। हाँ चने, ब्लैक चने बनाए हुए हैं। अच्छा ये भी बच गया। अच्छा माशाल्लाह चावल भी बचे हुए। तो चाय भी, ये देखो मैं बना के दे के गई थी नाना कि पीछे चाय की किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये थे अब चाय बची हुई है, क्योंकि किसी ने पीछे से पीनी हो तो पी। अब मैं ले आई हूँ अपनी मज़ेदार सी चाय, तो चाय बैठ के पीते हैं। तो साथ मैंने ब्रेड ले ली है, चूँकि आजकल मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो मैं ब्रेड साथ लेती हूँ, ब्राउन ब्रेड। तो वैसे भी थकावट हुई हो ना, तो चाय पीने का बड़ा मज़ा आता है। तो चाय भी इतनी मज़ेदार बनी है, इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना मज़ा आया ना, मैंने एक दो घूंट लिए, ज़बरदस्त चाय। थकावट के बाद, काम करने के बाद कोई चीज़ भी खाने का मज़ा बड़ा आता है, मेहनत करने के बाद। ये जी मेरी मज़ेदार सी चाय और ब्राउन ब्रेड, तो कुछ मैंने पी लिया। तो मेरा दिल करता है कि बाहर मैं आवाज़ दूँ नाना को कि अगर चाय और है तो वो भी दे दो, क्योंकि मैंने इससे भी ज़्यादा पीनी है, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई। चलो पीते हैं चाय, चलो उसके बाद मिल। मुन्नम क्या कर रहे हैं, मुन्नम के काम चेक करो। मुन्नम ने ना मेरी चाय करा दी है, ये देखो इसे इतनी अफरा तफरी पड़ी है। मुन्नम बैठ जाओ ना, चलो नाना के पास, ननक पाजो, ननक पाजो, ननक पाजो, नाना। इस आज का भी लोग था इतना। अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।